इस वक्त हम मोती झील में हैं, जहां आप देख सकते हैं किस तरीके से पानी लगा हुआ है और भारी बारिश के बाद ऐसी स्थिति हुई है। कई इलाकों में, शहर के कई इलाकों में पानी लग गया है और काफ़ी मुश्किलों से लोगों को सामना करना पड़ रहा है। आपको बता दें कि लगातार हो रही मूसलाधार बारिश से ये स्थिति हो गई है। आप देख सकते हैं अधिकतर दुकानें बंद हैं मोती झील में और पानी लगा हुआ है, चारों तरफ आपको पानी ही पानी दिखाई देगा और पानी जलजमाव है। भीषण जलजमाव से लोगों की परेशानियां बढ़ गई हैं, वहीं कई दुकानों में पानी घुस जाने से लोगों की परेशानियां भी बढ़ी हुई हैं। आप देख सकते हैं हालांकि नगर निगम है वो पंपिंग सेट के माध्यम से पानी निकालने में जुटा हुआ है, वहीं स्थानीय दुकानदारों से ही बातचीत करें क्योंकि दुकान के अंदर तक पानी घुसा हुआ है। आप देख सकते हैं इस तरीके से दुकानों में पानी घुस गया है, क्या कहेंगे? पानी घुसा हुआ दुकान में, पानी नहीं घुसा हुआ, सारा सामान बर्बाद हो गया, इसमें बर्बाद हो गया है बहुत ज्यादा, काफी बारिश हुई है। बारिश तो कंटिन्यू हो रहा है रात भर, लेकिन पानी पूरा घुटा हुआ है, सारा सामान नुकसान हो गया। अभी आया है दुकान में सामान हटाने के लिए। हाँ, सामान हटा देंगे फिर दुकान बंद करेंगे, घरे जाएंगे। आज तो बिजली भी नहीं होगी? कुछ नहीं। कितनी परेशानी हो जाती है पानी लगने? बरसात में तो परेशानी होता है, और कुछ है काफ़ी परेशानी है। सामान भी बर्बाद हो गया बहुत ज़्यादा, थोड़ा बहुत नहीं, नुकसान हो जाता है हर बार बारिश में? लगभग 50,000 का हम लोग का नुकसान हो जाता है, 40 से 50,000 का। क्या कहेंगे, कितना बारिश हुआ है? जितना पानी लगा हुआ था पानी लगा हुआ जी, काफ़ी नुकसान हो गया, बहुत ज़्यादा, पूरा अंदर में पानी है, इस दुकान में पानी, लाइन से जितना भी है सब में पानी लगा हुआ है, सब में। आप देख सकते हैं काफ़ी पानी लग गया, जिससे लोगों की मुश्किलें बढ़ गई हैं, वहीं दुकानदारों की मुश्किलें सबसे ज़्यादा बढ़ गई हैं क्योंकि बरसात के दिनों में भारी बारिश होने से कई इलाकों में पानी लग जाता है। ऐसे में आप देख सकते हैं हालांकि नगर निगम जो है पंपिंग सेट के माध्यम से पानी निकालने में जुटा हुआ है, पानी को निकाला जा रहा है, नगर निगम पूरा प्रयास कर रहा है कि पानी को निकाला जा सके, लेकिन दुकानों में रखे सामान भी बर्बाद हो रहे हैं। और ये पहली बार नहीं है, हर साल बरसात में मोती झील का यही हाल होता है और शहर के कई इलाकों में पानी लग जाने से लोगों की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं। अब देखने वाली बात होगी कि बरसात के दिनों में इस तरीके से स्थिति हो जाएगी तो दुकानदार क्या कुछ करेंगे। स्थानीय वार्ड पार्षद भी हमारे साथ, पानी तो निकलवा रहे हैं लेकिन मोती झील में दुकानदारों का व्यवसाय तो ठप हो जाता है। देखिए, मैं कन्हैया कुमार गुप्ता वार्ड नंबर 23 के पार्षद और सशक्त स्थायी समिति के मेम्बर हैं। हमारा जो मोती झील का एरिया है वो हृदय स्थली के नाम से जाना जाता है, यहाँ प्रमुख व्यवसायियों द्वारा व्यवसाय की मंडी है। यहाँ जो है पिछले बार भी पानी लगता था, इस बार जो पिछले कल से जो बारिश होना शुरू हुआ मूसलाधार पानी, उसके वजह से ये पूरा जल जमाव हो गया है। इस जल जमाव के निकासी के लिए माननीय महापौर महोदया ने तुरंत संज्ञान लिया और नगर आयुक्त को उन्होंने कहा, नगर आयुक्त खुद 5:30 बजे सुबह में यहाँ उपस्थित हुए, मैं भी उनके साथ था और उन्होंने तुरंत अपने जो भी निगम कर्मी हैं उनको अपने कार्यों में लगाया और बड़ा बड़ा पंपिंग सेट ला के लगाया गया, इसलिए कि तुरंत इसके पानी की निकासी की समस्या का समाधान हो। नालों का सामान तो बर्बाद हो जाता है। हाँ, ये बात सही है कि जब जब बारिश का समय आता है जल जमाव होता है, दुकानदारों के सामान की बर्बादी होती है, लेकिन पिछले जल जमाव की अपेक्षा इस बार जो है कम नुकसान हुआ है, क्योंकि नुकसान तो हुआ है। हाँ, नुकसान हुआ है, लेकिन चूँकि स्थानीय वार्ड पार्षद थे और देख सकते हैं किस तरीके से बरसात के दिनों में कितना पानी जलजमाव की स्थिति है, लोगों की परेशानियां लगातार बढ़ जाती हैं। वहीं निगम पर बड़ा सवाल उठता है कि जब बारिश से पहले, जब पता है कि बारिश होने वाली है, बारिश के मौसम में पहले से ही क्यों व्यवस्था नहीं की गई है। हालांकि यहां पर सड़कें बनाई गई, नाला निर्माण हुआ, लेकिन इसके बावजूद दुकानदारों की परेशानियाँ अभी तक कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। लगातार जलजमाव की स्थिति में यहाँ पर लोगों की परेशानियाँ बढ़ गई हैं, भी पानी लगने से लोगों की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं। अब बड़ा सवाल, नगर निगम कब दुकानदारों की परेशानियों का निदान दिला पाया, क्योंकि जिस तरीके से भारी बारिश से शहर के कई इलाकों में भी पानी लगने की स्थिति हो गई।